ऐसे टेढ़ा करके चली होंगी ना। ये आ गए हम कहाँ, दम देवल। अबे फिर जाना माना पीर बाबा का, चल चुपचाप से। यहाँ पर अच्छे अच्छे को पूजा जाता है। तुम्हारे आगे तो जा गिर जाएंगे, तेरे को तो पकड़ लेंगे हम। है पकड़ गया, अच्छा अब ठीक है। ये है भाइयों दम देवल और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, पता वैसे आपको कहाँ पे है, कहाँ पर? वैसे वो नीचे है उधर, वो नीचे है। हाँ अरे वो नहीं है यार, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के अंदर जैसे किसी कोई दिक्कत परेशानी हो सब कुछ ठीक होता है, जिसके अंदर भूत ऊत दारू वगैरह छुड़वानी सब छूट जाती है यहाँ पर। या बोड़े तो लीछे ना वो दमदे वाला जहाँ पूजू छो तो लीछे ना तौल। हाँ हाँ तो भाई यहाँ पर रास्ते देख लो आप, अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो, जैसे किसी के घर में भूत ऊत की दिक्कत हो या गले वगैरह ख़राब हो या किसी पे पीर बाबा हो या किसी की दारू छुड़वानी, तो आप यहाँ आ सकते हो दम देवल में। बहुत जाना माना प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को ठीक किया जाता है और आप देख सकते हैं। ठीक है आओ आप यहाँ पर दम देवल में। ये चौबट्टा खाल से भी आगे पड़ता है, सतपुली के रास्ते से जाते हैं, सतपुली से होते 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 नौगांव के साइड होते होते चौबट्टा खाल, चौबट्टा खाल से आगे आता है दम देवल। दम देवल में जाके सबसे पहले ऊपर से सामान लेना होता है, फिर उसके बाद नीचे गांव में जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से लोगों के पीर ठीक किए जाते हैं, और किसी को भूत ऊत चढ़ाओ वो भी दूर होता है ना यहाँ पर। तो हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो आप। ये साईं के नाम से जाना जाता है। ये बहुत आते समय तो हमें और तकलीफ होगी, आते टाइम जिनके पाँव में दिक्कत है ऐसे ऐसे लग रहा है, धक्के से लग रहा है। ये प्रसाद मेरे पे क्यों टच कर रहे हो? अरे भगवान, चलो कोई नहीं, एक ही बार माफ कर देना, उसको जेब में रखो। ये कह रहा ये इसमें टच कर दिया ना तो कुछ नहीं होता, ठीक बाबा सब ठीक कर देंगे। एक ही बाबा तेरा सात साल मना दो हमारे लिए, इतनी दूर से आए तो बस ठीक ही हो जाए। क्यों ये पीर बाबा? हाँ धूप की ना स्मेल आ रही है। तो भाइयों फाइनली हम यहाँ पहुँच गए 2 घंटे बाद, उसको जेब धूप में रख लो ना। यहाँ लोगों ने कितना कूड़ा मचा रखा है, देख रहे हो? प्लास्टिक ही प्लास्टिक, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। आराम आराम से आना, यहाँ पत्ते ऐसे है ना, फिसल जाओगे तो चोट चाट ना लग जाए। उसको उसमें रिक्शा को पकड़ा दो ना, वो बेचारी खुद कैसे आ रही है। चल ये भाई साहब मेरा दम देवल जाना माना जगह है, जहाँ पर ये देखो अच्छे अच्छे लोगों के कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो किसी के अंदर पीर हो भूत हो कोई भी दिक्कत परेशानी, आप यहाँ पर आ सकते हो। ये है दम देवल। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत प्राचीन टाइम का है ये। ये नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पर पहले, तो फिर उसके बाद जाना पड़ता है गाइस। मेरा दम देवल जैसा आप देख रहे हो, ठीक है ये रहा। मसूर दम देवल, ये दूर दूर से लोग आ रखे हैं यहाँ पर। हाँ वो है ना भाई, खाली बोतल
ये है तो सही बिस्लेरी की बोतल से ले लो ना, भरी भी कितने की है? हाँ ले जाओ, पता है ये पानी मंत्रा हुआ है ना ये। हाँ, ये पानी ले लो ना यहाँ से, आप ये खरीद लो ना, 30 रुपए का आता रहा। एक मिनट बोरी यहाँ पर होना जरा, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, यहाँ से पहले पानी लेना पड़ता है। ये पानी इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो पानी से ही देखता है। आप यहाँ पर आओ, पानी लेके जाओ यहाँ से, ठीक है? गाइस यहाँ से एक बारी बहुत तेज बारिश आई थी, अब बाढ़ आई थी यहाँ से सीधे नीचे तक। लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं भाई। दमदेवल आप भी आओ, अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी के घर में जैसे कोई कलेश हो रहे हो, कोई मतलब ऊपरी हवा हो, आपको ऐसा लग रहा हो किसी ने आपके लिए कुछ कर रखा हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। दमदेवल उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। बहुत आसान तरीके से आप आ सकते हो और आपके कष्ट सारे दूर होंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक अपना कोई प्रसिद्ध, कोई खास मनपसंदी सूट भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है? जो लोग साफ सुथरे वही आ सकते हैं, जिनके घर में कोई डेथ वगैरह हो रखी हो वो नहीं आ सकते यहाँ पर। जैसे किसी लेडीज़ को कोई मासिक धर्म होते हैं वो भी नहीं आ सकते यहाँ पर। शुद्ध पर्सन ही आ सकता है जिसके घर में कोई डेथ वगैरह ना हो रखी हो, साफ़ सुथरे तरीके से आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? नहीं तो यहाँ पर आना बहुत बेकार होता है, वो खुद ही भेज देते हैं वापस, उनको खुद ही पता चल जाता है इसलिए। तो भाई साहब यहाँ आने के लिए आपको एकदम शुद्ध तरीके से आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर नंबर लगाना पड़ता है, पहले बिना टोकन के नहीं आ सकते आप, ठीक है? तो आप जैसे देख रहे हैं सामने लोग कैसे जा रहे हैं, तो भाइयों आप आओ यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ पूछ लेना है। यू भी पूछ लेन के मतलब केयर वेयर क्या चीज क्या नीचे रिक्शा क्या बोलो में सुनने से है ना। तो भाइयों अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को आप DM कर देना या कमेंट बॉक्स में डाल देना मैसेज।